रक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय रक्षा मिडिल स्मॉल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का आज उद्घाटन संपन्न हो गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कोटा पहुंचे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों में भारत को सपेरों और बाबाओं का देश माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से आज विदेशों में भी भारत के लोगों का दिलों से स्वागत किया जाता है। और हम तो खैर रात दिन लगे ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्मनिर्भर भारत आज जो मोदी जी ने एक मंत्र दिया था उस पर बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज विश्व में सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें आज हमारी हैं, हमारी एमएसएमई बना रही हैं, हमारे डीपीएसयूज बना रहे हैं कि दुनिया के लोग हमारी ओर चकचकी लगा के देख रहे हैं कि भारत इतने आगे कैसे बढ़ गए। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए हैं। आज हम जल में, थल में, नभ में पूरी तरह से मजबूत हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आँख उठा के देख सके। और एमएसएमई जो सेक्टर बिल्कुल कोरोना के बाद पीछे आ गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत बल दिया। पंजाब केसरी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।